गुड इवनिंग माई ऑल फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। तो गाइज, मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और तो गाइज, अभी मैं सीधे गांव से ही ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ, गांव से थोड़ा सा दूर आ रखा हूँ। और अभी शाम का टाइम है गाइज, 5 बजने वाला है, और तो सीधे मैं घर से ही ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ गाइज। गाइज, ये है मेरा गांव और नीचे धारा है गाइज, यहाँ पर सरमूल धारा निकलता है, पीने का वाटर निकलता है गाइज। और ये ऑल टोटल मेरा गांव है गाइज, जितना भी ब्लॉग में आ रहा, वीडियो में आ रहा गाइज, ये पूरा मेरा गांव है। और आज मैं बैक साइड से आ रखा हूँ गाइज, और दिनों से थोड़ा सा अलग जगह पर आ रखा हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली शाम के टाइम पर ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ गाइज। और ये दृश्य है मेरे गांव का, चारों तरफ का गाइज, देख सकते हो वीडियो पे। और अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने उत्तराखंडी भाई को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। मैं दरवान भोरेवाल गाइज, मेरे गांव का नाम है सूपी, और इस तरह से पहाड़ का नज़ारा है गाइज। आगे से कोतला है जहाँ पर बर्फबारी भी हो चुकी है इस टाइम पर, और सामने से गाइस भतलतुंगा धाम है, और यहीं पर 5वां धाम स्थापित हो चुका है, लेकिन अभी काम करना बाकी है गाइस। टॉप पर गाइस चुल्ठा माता का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, जो कि साल में एक बार जाना होता है नवरात्रि के टाइम पर, और अपने अपने मनोकामना लेके सारे हमारे जो भी श्रद्धालु लोग हैं जाते हैं, और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है गाइज। ये है मेरे उत्तराखंड का दृश्य गाइज। गाइज अभी टहलने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा गांव से थोड़ा सा दूर, और इसी तरह से खेती बाड़ी होती है गाइज यहाँ पर, और टोटल हो भी चुकी है। और हमारे पहाड़ में सीढ़ीदार खेतियाँ होती हैं गाइज, देख सकते हो पीछे से मेरा गाँव है और सूपी गाँव है गाइज। तो गाइज ये जा रही सरयू नदी, जो कि बागेश्वर गोमती के साथ मिलते हैं गाइज। और ये रोड जो है ये नियर नंगेला के लिए जा रहे गाइज, अभी काम चालू है, प्रगति पर है, और कुछ दिनों के बाद ये रोड खलपटा तक चले जाएगी गाइज यहाँ से होते हुए। और यहाँ पर जो भी, तो गाइज यहाँ पर बिजली का प्लांट भी है, नीचे दिख रहा होगा आपको पावर हाउस, वो नीचे बना है। यहाँ से जो पानी बहता हुआ है गाइज सरयू नदी का, पाइपलाइन से जोड़ के आगे को डैम बना रखा गाइज इस तरह से। और ये तलाई गांव है गाइज, और आगे कौन कौन सा गांव है इतना मुझे मालूम नहीं है गाइज। अभी 200 मीटर ऊपर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज, देख सकते हो। और यहीं से ऊपर से हिमालय से होते हुए आते है गाइज ये नदी, और हमारे गांव से होते हुए बागेश्वर सरयू नदी पहुंचते है गाइस, गोमती के साथ वहां मिलके आगे को निकलते है गाइस। देख सकते हो नीचे से कितना गहरा है, यहां से 200 मीटर नीचे खाई है और सीधे सरयू नदी पर पहुंचता गाइस। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉप पर आ रखा हूं, और आगे मंदिर भी है और दर्शन करने के भी आ रखा हूँ भगवान के। और
हनुमान जी का मंदिर भी है गाइज ऊपर, और मूर्ति है जो कि काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर काफ़ी कम समय मिल पाता हमें घूमने के लिए। 14-15 साल तो हमने इसी जगह पर काटे, उसके बाद ना जाने 15 साल कहाँ कटे मालूम नहीं है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है इस जगह पर। और देख सकते हो कितने पहाड़ियों पर चढ़ रहा हूँ गाइज, देख सकते हो नीचे से पहाड़े पहाड़ है गाइज। अभी मैं मंदिर पर पहुँचा हूँ और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पर बैठे बैठे, और बहुत सुकून मिल रहा, और माता रानी के दर्शन भी हुए गाइज, और बहुत सुकून मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा, और शाम का व्यूज है गाइज, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का। तो गाइज फाइनली मैं रूम पर पहुँच चुका हूँ अपने घर पर, और थोड़ा बहुत टहलने के बाद, और ये हमारा यूबी है। यूबी हेलो बोल दो, यूबी यूबी हेलो बोलो, हेलो गाइज बोलो, कैसे हो बोलो, नमस्कार बोलो, मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो बोलो, और मैं किचन पर बैठा हूँ, मम्मी खाना बना रहे बोलो, और पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे बोलो, गए थे। और अभी आए पापा मुझे मिलने के लिए, मुझे अभी मिले हैं बोलो, और मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी बोलो, मैं तो गाइज फाइनली मैं किचन पर हूँ अभी, और अपनी वो वाइफ जो भी खाना डिनर बना रही, और यू भी यहाँ पर स्लीप पर बैठा हुआ है, और कुछ बोलोगे यू भी? तो बोलो, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बोलो बोलो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने उत्तराखंडी भाई को, बोलो अपने उत्तराखंडी भाई को, कोई बात नहीं। तो गाइस दाल गिरा ली मैं निशा रखते वक्त, तो बता रहा यू भी, तो बोलो अपने उत्तराखंडी भाई को, दिखाइए, हाँ अभी दिखाऊंगा, सुनो अपने उत्तराखंडी भाई को बोलो, ऐसे बोलो अपने उत्तराखंडी भाई को, यू भी अपने उत्तराखंडी भाई को बोलो तो सही। तो गाइस यू भी बोलने के मूड में नहीं है, बोलो अपने उत्तराखंडी भाई को, उत्तराखंडी भाई को सपोर्ट कीजिएगा, हाँ और बहुत प्यार भी कीजिएगा, हाँ। तो गाइस मेरा यू भी छोटा सा किड है, एक ही है, और बहुत प्यारा किड है, और हैंडसम भी है, हैंडसम है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वाइफ खाना बना रही, दिखाते हैं क्या क्या बना रही डिनर में, और यू भी कुछ बोलना चाहोगे, और कुछ क्या बोलोगे बाबू, कुछ बोल दो गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बोलो, हेलो। तो गाइज ये है मनीषा, और देखते हैं मनीषा क्या क्या बना रही, मनीषा क्या बना रही रात को डिनर में, क्या क्या बना रहे हो मनीषा, सब्जी बना रही, और क्या बना रहे हो, छोले बना रही हूं। अच्छा सब्जी किस चीज की है मनीषा, शिमला मिर्च और, तो गाइज ये सब्जी बन रहा, और सामने से जो छोले है रात के लिए डिनर के लिए ये बन रहा गाइज, और क्या क्या बना रखे हो मनीषा, रोटी बनाए हैं, और क्या क्या बना रखे हो मनीषा इससे अलावा, रोटी बनाए हैं, और चावल बनाए हैं, और बस इतना ही बनाए हैं, तो सब्जी छोले रोटी, अच्छा और चावल, अच्छा तो हमारे YouTube फैमिली को कुछ बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो, हाँ। तो गाइज मनीषा बोलने के मूड में है नहीं, क्योंकि उसको भगवान ने मुंह तो दिया है लेकिन बोल नहीं पाती है, गूंगी है, तो कमेंट करके बताइएगा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बोलने वाला एक है मेरे पास, यू भी है, बहुत प्यारा किड है, कुछ बोल दो यू भी, हाय मनीषा, माय गॉड बोल दो कुछ, हेलो बोल दो मनीषा, तो बड़ू भैया। तो गाइस यू भी तो ऐसे घूमता रहता है किचन की स्लिप पर, ये देखे गाइस इस तरह से घूम रहा है।
और मम्मी को बदुक बदुक बोलता रहता है, पता नहीं बदुक का मतलब क्या होता है। युवी ए युवी क्या कर रहे हो बाबू? बोन बीटा खा रहे हो क्या उधर? तो क्या खा रहे हो? मैक्रोनी। अच्छा मैक्रोनी खा रहे हो? ओ माय गॉड। और क्या क्या मिला तुम्हें किचन में? तो गाइस देख सकते हो इसी तरह से स्लिप में बैठा रहता, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और फिर अपने ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने उत्तराखंडी भाई को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यू भी बोल दो बाय बाय। बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत बोलो। जय हिंद, जय भारत। जय उत्तराखंड बोलो। जय उत्तराखंड। बाय बाय। बाय। टेक रेस्ट। टेक रेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और स्वस्थ रहेगा रहिएगा। स्वस्थ रहिएगा। और मस्त अपने काम पर रहिएगा। मैं काम पर तब तक के लिए बाय। और अपने इतना पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलो। हाँ तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड बोलो। जय उत्तराखंड। हाँ बाय बाय। बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देगा जी। तो गाइस फिर मिलते हैं। बाय बाय। टेक रेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।